गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपको संस्कृत में हम द्वितीय पाठ का कुछ संस्कृत शब्द लिखवा रहे हैं, उसका हिंदी भी। आप लोग ध्यान से इसको देखिए और कॉपी में नोट करके इसकी हिंदी और संस्कृत दोनों याद कीजिएगा। तो कुछ संस्कृत शब्द और हिंदी शब्द लिखवा रहे हैं, ये है आपके संस्कृत शब्द, आप इसको याद कीजिएगा तब आपको संस्कृत पढ़ने आएगा। ये हो गया संस्कृत शब्द और ये क्या हो गया हिंदी शब्द। हिंदी शब्द तो संस्कृत शब्द में क्या है, बालकह। क्या है बालकह? बालकह का हिंदी क्या होगा, लड़का। वानर, वानर का हिंदी क्या होगा, बंदर। सिंह, सिंह का हिंदी क्या होगा, शेर। क्या होगा, शेर। कच्छप, कच्छप, कच्छप का क्या होगा, कछुआ। कपोत, कपोता का हिंदी क्या होगा, कबूतर। सुका, सुका का क्या होगा, तोता। सूर्य, सूर्य का क्या होगा, सूरज। मृगा, मृगा का क्या होगा, हिरण। काका, काका का क्या होगा, कौवा। ये आपके संस्कृत शब्द हो गए और ये हिंदी शब्द, इसको आप अच्छे से कॉपी में नोट कर लेंगे और इसको याद करेंगे। मैं फिर से एक बार पढ़ के आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग इसको पढ़ेंगे। संस्कृत में कैसे पढ़ते हैं वो मैं बता रही हूँ। बालकह, क्योंकि ये बिंदु जो है ना लगा हुआ है, ये दो बिंदी का मतलब होता है अह। क्या होता है अह, यानी अह की मात्रा जो लगाते हैं, क्या हो गया बालकह। इसका ह का उच्चारण होता है, इसलिए इसको हम बालकह पढ़ते हैं, यानी बालकह। ह हो गया उच्चारण में, इसलिए बालकह हो गया। बालकह से क्या हो गया, लड़का। बानरह, इस बानरह का हिंदी क्या हो गया, बंदर। ये सब सारे आपके संस्कृत शब्द हैं। सिंह, सिंह से क्या हो गया, शेर। कछप, कछप का हिंदी कछुआ। कपोत, कपोत का हिंदी कबूतर। सुगा, सुगा मीन्स सुगा का हिंदी तोता। सूर्य, सूर्य का हिंदी सूरज। मृगा, मृगा का हिंदी हिरण। काका, काका का हिंदी कौवा। तो ये आपके संस्कृत शब्द और हिंदी शब्द हैं, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे अच्छे से, सुंदर सुंदर राइटिंग में, और इसको लर्न करेंगे तब आपको संस्कृत पढ़ने में आसान होगा। इस सबको याद नहीं कीजिएगा तो संस्कृत पढ़ने में कठिनाई होगी, इसलिए इसको ध्यान से लर्न करेंगे। धन्यवाद।